मैं हूँ इस वक्त बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में, और यहाँ पर आज हम दशाश्वमेध घाट पर होने वाली माँ गंगा की पवित्र आरती के दर्शन करेंगे, जो कि पूरे विश्व में बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पर बनारस में जो गंगा आरती होती है उसको दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बड़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच कर माँ गंगा के इस पावन और पवित्र आरती के दर्शन करते हैं, जो कि दशाश्वमेध घाट पर होती है, जिसका बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि बनारस के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली इस गंगा आरती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो सके, और आप जब भी बनारस में आए तो माँ गंगा की ये पवित्र आरती दशाश्वमेध घाट से ज़रूर दर्शन करें, जो कि एक अद्भुत अनुभव आपके जीवन का होगा। हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दशाश्वमेध घाट पे गंगा माता की आरती अगर आप अटेंड करना चाहते हैं नाव में बैठकर, तो नाव में बैठकर आरती आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये सामने पूरी नाव लगी है। देखिए गंगा आरती के लिए कितने सारे लोग नाव में बैठने जा रहे हैं, अद्भुत एकदम। ये फॉरेनर्स भी है देखिए। तो अभी जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ यह दशाश्वमेध घाट है, और प्रतिदिन यहाँ पर शाम के 6:30 बजे गंगा आरती की शुरुआत होती है। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं ट्रैवल वृत्तांत यूट्यूब चैनल, और आज के इस वीडियो में हम बनारस की प्रसिद्ध गंगा आरती के दर्शन करेंगे। हर हर गंगे, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों अभी मैं हूँ दशाश्वमेध घाट पर, और ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे दशाश्वमेध घाट का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर शाम को गंगा आरती शुरू होती है। दो जगह पर दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती होती है, एक उस साइड में होती है जो कि गंगा सेवा समिति के द्वारा होती है, और एक यहाँ पर होती है जो आप सामने देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है, गंगोत्री सेवा समिति। एक उस साइड में होती है वहाँ पे गंगा आरती जो कि गंगा सेवा समिति के द्वारा होती है, और यहाँ पर ये आरती जो होती है गंगोत्री सेवा समिति के द्वारा होती है। तो यहाँ पर आपको भीड़ कम मिलेगी अगर आप गंगा आरती बहुत अच्छे से जैसे अटेंड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, उस साइड में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अभी भी आप देख रहे थे वहाँ पे कुर्सी वगैरह लगा के लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर भी गंगा आरती की तैयारी चालू है, जो कि शाम में 7 बजे से गंगा आरती यहाँ पर होगी। और ये घाट मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं ये दशाश्वमेध घाट प्राचीन तीर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका बोर्ड है, और इसका आने का रास्ता भी उसके जस्ट साइड में यहाँ से आते हैं। तो इस घाट पर भी आप गंगा आरती का आनंद उठा सकते हैं, गंगा आरती के दर्शन आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप सामने में गंगा आरती की तैयारी यहाँ पर चल रही है। भैया यहाँ पर कितने बजे होती है आरती? 6:30 बजे। तो ये जो गंगोत्री सेवा समिति वाली जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर गंगा आरती 6:30 बजे से होती है, और उधर साइड में वहाँ पे भी 6:30 बजे से लगभग शुरू होती है। तो दोनों जगह पर एक ही टाइमिंग में होती है, और आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से गंगा आरती आप अटेंड कर सकते हैं, गंगा आरती के दर्शन आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतनी ज़्यादा आपको भीड़ देखने के लिए नहीं मिलेगी, और व्यवस्था सेम पूरी वैसे ही आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये पूरी अभी गंगा आरती की तैयारी चल रही है, तो जिसके दर्शन अभी हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, और ये दशाश्वमेध घाट ही है। दशाश्वमेध घाट पे गंगा माता की आरती अगर आप अटेंड करना चाहते हैं नाव में बैठकर, तो नाव में बैठकर आरती आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये सामने पूरी नाव लगी है। देखिए गंगा आरती के लिए कितने सारे लोग नाव में बैठने जा रहे हैं, अद्भुत एकदम। ये फॉरेनर्स भी है देखिए। तो ये देखिए इतने सारे लोग अभी से बैठना चालू कर रहे हैं, इसके बाद में 6:30 बजे गंगा आरती शुरू होगी, और सामने में भी बहुत सारे लोग बैठे उधर ऊपर में। तो अभी तैयारी चल रही है आरती की, तो हम आपको आरती का दर्शन कराएंगे इसमें, तो दर्शन जरूर। बनारस के दशाश्वमेध घाट पर माँ गंगा की आरती को अटेंड करने के लिए आपको यहाँ पर जल्दी पहुंचना होता है, क्योंकि आरती का समय यहां पर 6:30 बजे शुरू होने का होता है, और यहां पर अगर आप आगे बैठकर आरती को अटेंड करना चाहते हैं, आरती देखना चाहते हैं, तो आपको लगभग 4 बजे से यहां पर आकर अपनी सीट पहले ही रिज़र्व करनी होती है। अगर आप नाव में बैठकर आरती को अटेंड करना चाहते हैं, तो ये जो सामने वाली नाव आप देख रहे हैं इसमें 100 रुपये देकर आप आरती को अटेंड कर सकते हैं, और आप इसी के साथ में अगर जो पीछे वाली जो नाव है उसमें बैठकर अटेंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर 400 रुपये आपको एक सीट का लगता है, और उसके बाद में फिर आपको आरती विराम होने के बाद में आप इसी नाव के माध्यम से बनारस के जो घाट है उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जो कि साइट सीइंग आपको इसी
अमाउंट में करवाया जाता है। जो आपने 100 रुपीज़ पे किया है या आपने जो 400 रुपीज़ पे किया है, उसी अमाउंट में आप बनारस के जो प्रमुख प्रमुख घाट है उनके दर्शन भी आप इसी अमाउंट में कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर इन नाव चालकों के द्वारा आपको करवाया जाता है। और इसका भी एक बहुत ही अद्भुत और एक बहुत ही अनोखा अनुभव होता है, क्योंकि रात में जब आप गंगा माता की सैर करते हैं, गंगा माता के परिक्रमा करते हैं, घाटों के दर्शन के लिए जाते हैं, तो आपको बहुत ही अद्भुत अनुभूति होती है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से लोग पहुँचना शुरू हो जाते हैं, जो कि लगभग ये समझ लीजिए 4 बजे के आसपास से ही लोगों की भीड़ लगना यहाँ पर शुरू हो जाती है, क्योंकि जो सामने की सीट्स होती है वह सभी, अगर आप आगे बैठना चाहते हैं तो आपको जल्दी आना होगा, क्योंकि अभी ये देख सकते हैं 5:30 बजे का लगभग टाइम है और आरती शुरू होने में 1 घंटे का टाइम है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग पहुँच चुके हैं। पूरा हाउसफुल आप देख सकते हैं, पूरा हाउसफुल हो चुका है। इसलिए अगर आप काशी के दशाश्वमेध घाट पर जाकर गंगा माता की आरती अगर अटेंड करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी पहुँचें, ताकि आपको माँ गंगा की आरती के दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाए सामने से बैठकर। तो आइए अब हम सीधे चलते हैं और माँ गंगा की आरती के दर्शन करेंगे, जो कि काशी के दशाश्वमेध घाट पर होती है प्रतिदिन। और आप इस वीडियो के माध्यम से माँ गंगा की इस पवित्र आरती की छोटी सी झलक देख पाएंगे। बाकी आपको इसकी असली अनुभूति तभी होगी जब आप दशाश्वमेध घाट पर जाकर वहाँ पर खड़े होकर इस आरती को अटेंड करेंगे, इसमें सम्मिलित होंगे, तब ही आपको इसका जो असली अनुभव है वो प्राप्त होगा। इसका जो आपको जो वाइब है, जो एक अलग ही अनुभूति होती है, वो आपको तभी होगी जब आप यहाँ पर आकर खुद इस आरती का अनुभव करेंगे। तो आइए आपको वीडियो के माध्यम से बहुत ही छोटे रूप में बहुत ही अच्छे से आइए माँ गंगा की ये पवित्र आरती हम दर्शन करते हैं। श्री काशी विश्वनाथ, हर हर गंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने माँ गंगा की पवित्र आरती, जो कि दशाश्वमेध घाट पर होती है, इस आरती के दर्शन किए और बहुत ही अद्भुत अनुभूति आपको इस आरती के माध्यम से हुई होगी। और आप जब भी काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस जाए, तो माँ गंगा की यह पवित्र आरती दशाश्वमेध घाट पर या 80 घाट पर या जहाँ पर भी आपको इस आरती को अटेंड करने का, दर्शन करने का, इस आरती में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो, तो अवश्य एक बार माँ गंगा की पवित्र आरती का दर्शन ज़रूर करें, ताकि आपको यहाँ पर आने वाली जो एक पॉजिटिव वाइब है, जो एक अलग ही अनुभूति है, उसका आपको आनंद प्राप्त हो सके। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।